90% नान ऐसे होते हैं जो ठंडे हो जाने के बाद में बिल्कुल रबड़ जैसे बन जाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम बना रहे हैं टर्किश बजलामा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 160 मिलीलीटर नीम गरम पानी, फिर उसमें ऐड करेंगे 160 मिलीलीटर नीम गरम दूध। अब एक टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम ड्राई यीस्ट और 10 ग्राम चीनी को ऐड करके मिक्स कर लीजिए। फिर हम लेंगे 4 कप मैदे का। आपके पास में अगर ब्रेड फ्लावर हो तो वो यूज़ करिए, इससे ये और ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। नमक को पहले मैदे से मिक्स कर दीजिए क्योंकि नमक यीस्ट के साथ में अच्छा रिएक्ट नहीं करता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप इतनी दूर आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको हमें ऐसे गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिल्कुल रोटी की ही तरह ये बनते हैं। अब इसको ढककर करीब 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको थोड़ी गर्म जगह पर रखिएगा। 1 घंटे के बाद में इसका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इसमें हम ऐड करेंगे 40 ग्राम बटर का। आप चाहे तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर के साथ में इसका टेस्ट लाजवाब होगा। इसको फिर से हम आटे की तरह गूंथते हैं और अब हमें इसमें डेवलप करना है ग्लूटेन, और इसके लिए हमको डो को स्ट्रेच करना पड़ेगा। इसके लिए आप हथेली का निचला हिस्सा यूज़ करें। और फिर कभी आपने हाथों से कपड़े धोए हैं, बस सेम मोशन आप यूज़ करिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से ऐसे रगड़ रगड़ करके खींचिए। इससे डो बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। अब जबकि हमने इसका ग्लूटेन को जगा दिया है तो हमें इसको देना पड़ेगा एटलीस्ट 2 से 3 घंटा रेस्टिंग टाइम। उससे पहले थोड़ा सा बटर लगा दीजिए ताकि ये ड्राई ना हो। इसको ढककर थोड़ी सी गर्म जगह पर रख दीजिए। फिर आप देखेंगे इसका साइज ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि डो बिल्कुल लचीला बन चुका है। तो अब हम इसको देंगे शेप। सबसे पहले हम इसको एक गोलाकार यानी कि राउंड शेप में करेंगे, फिर इसके इक्वल पीसेस काटेंगे। हमें इसके पेड़े या लोइयां बनानी है। सो सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यानी कि रोटियों का तरीका। आप जैसे रोटियों के पेड़े बनाते हैं बस उसी तरीके से बॉल्स को बनाइए। मैं ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे घर पे हमारी मम्मी लोग बनाते हैं ना, वैसे। और अब बस हमें इनको देना है रोटियों का शेप। तो फिर इसको बेलन से नॉर्मल रोटी के जैसा बेल लीजिए। बाकी के डो बॉल्स यानी कि पेड़ों को ढक के रखिएगा। और हाँ, इसको ना ज़्यादा आपको पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा। इनको अगर आप मोटा करके बेलेंगे ना तो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखेंगे, लेकिन खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब बस इसको सेम रोटियों के स्टाइल पर सूखे तवे पर रख के सेक लीजिए। हमको मालूम ही है रोटियां कैसे बनती हैं, हमारी तो ऑलमोस्ट सारी रोटियां फूल जाती हैं। तो बस आपको वही टेक्निक करना है। ये कभी भी ये रबड़ की तरह चुई नहीं बनेंगी। ये ब्रेड और रोटी या नान के बीच का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही टेस्टी होता है। एक दफ़ा ये सारे सिक जाए, इस पर बटर लगाइए या सादा खाइए, आपकी मर्जी है। बटर आप हाथों से लगाए या ब्रश से, और फिर इसके ऊपर हरी धनिया डालिए। आप चाहे तो गार्लिक भी डाल सकते हैं। ये टर्की में इसको शवरमा के साथ में खाते हैं या फिर इसके अंदर में कबाब डाल के खाते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।